विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर सोमवार को जिला अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक में रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रभारी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, एसआईसी अभय चंद्र श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस दौरान रक्तदाता को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं के संचालकों और रक्तदाताओं को शॉल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि रक्तदाता दिवस से लेकर 14 जुलाई तक स्वैच्छिक रक्तदान माह के रूप में मनाया जाएगा। एसआईसी अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 14 जून से 14 जुलाई तक स्वच्छ रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ब्लड देने से किसी तरह की समस्या नहीं होती है, साथ ही ब्लड देने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि रक्तदान बहुत बड़ा दान है, एक व्यक्ति 4 व्यक्तियों का जान रक्तदान करके बचा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसआईसी अभय चंद्र श्रीवास्तव, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे और सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, अभी हम लोग आते हैं जैसे वहां में कभी स्टार्ट संजय से हॉस्पिटल के कार्य जो अधिशासी निकाय है उसमें एज ए डी एम साहब ने मतलब हमारे केबुल गोल साहब आकर रखे, उन्होंने बताया कि जब उसको मशीन आ जाएगी हम 1.5 घंटा में आपको पॉइंट दे देंगे। देखिए उनको पहले की पॉइंट देखिए पहले से रख दें, नहीं वो पहले कर लेंगे, वो दे देंगे सर, वो नहीं देना 240 मीटर के हो जाता है वो लाने में तो 2-3 मीटर नहीं हम पहले वो पहले पॉइंट जो आर्टिकल में रिव्यू करेंगे। सर आज विश्व रक्तदान दिवस है और सीरियस ऑब्जेक्शन कर रहा है। आज का दिन 14 जून को हम विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं। यह एक 14 जून से 14 जुलाई तक एक माह का पूरा समय जो है स्वैच्छिक रक्तदाताओं के लिए चलेगा। जो भी कोई स्वेच्छा से दान देना चाहता है आके दान दे सकता है। ये सभी जानते हैं कि रक्त शरीर में ही बनता है, कहीं पेड़ पर नहीं होता, अतः हमारा एक बूंद दूसरे की जान बचा सकता है। ब्लड देने से ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होती जिसके लिए किसी को डरने की ज़रूरत है। 18 से 65 साल की उम्र वाले जो स्वस्थ हों आके ब्लड दे सकते हैं। ब्लड देने लेने के पहले हमारे ब्लड बैंक में ब्लड बैंक ऑफिसर खुद उसकी पूरी तरह जांच कर लेते हैं कि वो ब्लड देने लायक हैं कि नहीं। ये मन की भावना हटा देनी चाहिए कि आपका कोई यदि आप देने लायक नहीं होंगे तो हमारे ब्लड बैंक में कार्य करने वाले अधिकारी, डॉक्टर और कर्मचारी आपका ब्लड लेने से स्वयं मना कर देंगे। और ये दिवस जो है गिव ब्लड कीप हार्ट बीटिंग इस नारा के साथ मनाया जा रहा है। आप स्वेच्छा से अपना खून दान में दें, दूसरों की जान बचाएं। कभी कभी एक यूनिट ब्लड मिल जाने से जिसमें कुल 200 ml ब्लड होता है, बाकी उसमें दवाइयां और प्रिजर्वेटिव पड़े रहते हैं, एक माँ और बच्चे दोनों की जान बचा सकता है। जब किसी ENC के मरीज को खून की कमी से मौत होती है या बच्चा पैदा होने के पास अधिक ब्लीडिंग होने से मौत होती है, एक्सीडेंट में अधिक रक्तस्राव हो जाता है, ये प्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया ऐसे मरीज हैं जिनको रेगुलर ब्लड की जरूरत पड़ती है और ब्लड देने से उनकी जान बचाया जा सकता है। अतः आप सबसे निवेदन है कि इस स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और माह में हर्षपूर्वक, खुशीपूर्वक, हर्षोल्लास के साथ रक्तदान करें।
सर सम्मानित भी किया गया कुछ लोगों को? हमारे यहाँ जब भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी संघ हैं जो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, अब ब्लड डोनेट करते हैं, करवाते हैं तो दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। अतः पिछले वर्ष में जो ब्लड डोनेशन में अच्छे कार्य किए हैं, उन संघ या एनजीओ या स्वयं किसी को जो इसमें भाग लेते हैं उनको सम्मानित किया गया है। इसमें 5 प्रशस्ति पत्र एक साल के साथ सीडो साहब का दिलवाया गया है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, सम्मान की कीमत उसमें लगे हुए धन से नहीं की जाती, एक सम्मान से की जाती है। और हम उम्मीद है कि अगली बार ऐसे ही हमें 20 को सम्मान देने का मौका मिला। आज राष्ट्रीय रक्तदान दिवस है, ये कहते हैं कि ब्लड डोनेशन बहुत बड़ा शुभ कार्य है, बहुत बड़ा दान है। सभी लोग जानते हैं कि ब्लड की कितनी महत्ता है। ब्लड, किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको कहीं से ब्लड मिल जाता है तो उसका जीवन बच जाता है। तो लोगों को रक्तदान करना चाहिए, इसी को प्रोत्साहित करने के लिए एक दिन साल में एक दिन रक्तदान दिवस मनाया जाता है। आज अभी हमारे जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में रक्तदान हो रहा है, हम वहाँ गए हुए थे, तो काफ़ी मात्रा में आए हुए रक्तदान कराने के लिए। पिछले 2-3 दिन से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और स्वयंसेवी संस्थाएं भी रक्तदान कर रही हैं और लोग करवा रहे हैं। तो हमारी जनता से अपील है कि इस महादान में सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर सीडीओ सर के द्वारा सम्मानित किया गया हाँ, कुछ 5-6 ऐसे नागरिकों को सम्मानित किया गया जो बहुत बार लगातार रक्तदान देते रहे करते रहे हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको फ़ोन कर दिया जाता है और आकर के वो रक्त देते हैं, क्योंकि ये लोग जो है कल जो आज जो सम्मानित किए गए हैं सीडीओ सर के द्वारा, ये लोग इनके पास रेयर ब्लड ग्रुप के हैं तो इनकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है। कुछ ब्लड ग्रुप रेयर होते हैं, कुछ ब्लड ग्रुप कामन होते हैं, तो कामन लोगों के ब्लड तो मिल जाते हैं लेकिन रेयर ब्लड ग्रुप के फिर ज़रूरत पड़ती है तो नहीं मिलते हैं। तो हमारे ब्लड बैंक के अधिकारी लोग रेयर ब्लड ग्रुप वालों का नाम और फ़ोन नंबर इकट्ठा किए रखते हैं, इमरजेंसी में जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको फ़ोन करके और ब्लड कलेक्ट करते हैं और नीडी को दे देते हैं। हाँ, आज 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस है। इस उपलक्ष्य में CMO गोरखपुर द्वारा जिला अस्पताल में 1 माह के लिए, ये आज जो इस दिवस से लेकर 1 माह तक वॉलंटियर जो स्वेच्छा से रक्तदान देना चाहते हैं वो चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत अच्छे से उत्साह से गोरखपुर के निवासियों और NGOs ने हिस्सा लिया है और जिन्होंने आज ब्लड डोनेशन किया है उनको प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। और हमारी अपील रहेगी कि ब्लड डोनेशन वॉलंटियरली सबको करना चाहिए, ये सेहत के लिए भी अच्छा है और इमरजेंसी में बहुत लोगों की ये जान बचाता है, ये कोविड काल में भी देखा गया था। इसके अलावा जिला अस्पताल में अत्याधुनिक तरीके से उस ब्लड को जो भी डोनेट किया जाता है उसके कंपोनेंट डिवाइड किए जाते हैं। अभी जो यहाँ के SIC है उन्होंने मुझे इसका पूरा एक ब्यौरा समझाया है और बहुत अच्छी प्रबंधन है, जिसमें 4-4 कंपोनेंट अलग अलग कर लिए जाते हैं, जिसमें प्लाज्मा और अलग अलग चीज़ों को करके प्रिजर्व किया जाता है और जो फ्रीज़र है वो भी बहुत ही हाईटेक है।